आप सब, मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शालिनी कैफेटेरिया। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ लेके आई हूँ, बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत ही काम का है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं बनाऊंगी आज अपने पुराने दुपट्टे से। मेरा एक ब्लैक कलर का दुपट्टा था, उसको मैंने 3 पार्ट में कट कर लिया है। बन जाएगा जो कि हम लेडीजों के लिए ना बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे मैं 2 गांठ लगा रही हूँ, है ना। अब इसका करना क्या है, बस आप इसको कुछ नहीं, जैसे हम लोग बचपन में अपनी चोटियां बनाते थे ना, बस वैसे ही इसकी चोटी बनानी है। तो 3 पार्ट में ये बट चुका है, देखिए। अब चोटी बनानी है आज। इस तरीके से और चोटी टाइट या लूज, मतलब कैसे भी बना सकते हैं। टाइट होने से होता है क्या ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है देखने में। और ये देखिए हमारी चोटी तैयार है। मैं यहाँ पर भी एक लेस, ऐसा ही लेस के टुकड़े से यहाँ पे भी इसको बांधूंगी, गांठ लगा दूंगी। ये रहा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोटी तैयार है। अब हमारी चोटी बनके तैयार है। अब मैं बताऊंगी कि हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसका ये एरिया जो होता है साइड वाला, वो हमेशा खाली ही जाता है, तो मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। आइए दिखाती हूँ मैं इसे कैसे हैंग करना है। मैंने यहाँ पे ये जो चिपकाने स्टिक करने वाला होता है ना क्लिप, वो लगाया है। आप यहाँ पे छोटा सा नेल भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा लीजिए। और इस चोटी को यहाँ पे हैंग करेंगे। तो इसका जो ये छोटा सिरा जहाँ पे है ना, ये लेस को इस तरह से नॉट लगा के बस ऐसे हमें हैंग कर देना है। अब इस चोटी का करना क्या है मैं बताती हूँ। हमारे पास, हम लेडीजों के पास ना बहुत सारा क्लचर होता है, जो हम यहाँ वहां छोड़ते रहते हैं। कभी काम कर रहे हैं तो यहाँ छोड़ दिए, कभी वहां छोड़ दिए, तो वो फिर समय पे मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए मैंने ना क्लचर के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाया था। ये देखिए चोटी तैयार है और हमें बस अपने पास जो भी क्लचर हो, 2, 3, 1, 4 जो भी, यूं ऐसे
और ये बहुत ही हैंडी हो जाता है, आप कभी जब भी खोजने के लिए निकलेंगे कि मेरा किचन कहाँ पे, फटाक से आपको मिल जाएगा। कैसा लगा आपको मेरा ये हैक? तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर नेम प्लेट। नेम प्लेट तो बहुत ही सारे मिलते हैं मार्केट में, एक पर एक एक्सपेंसिव और जैसा चाहिए वैसा, पर खुद का बनाया हुआ जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो आपको आपसे पूछता है ना आपने कैसे बनाया, कहाँ से लिया, तो बहुत प्राउड फील होता है। तो चलिए हम आज एक नेम प्लेट बनाते हैं इसके लिए, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, एक बिल्कुल मिनिमम खर्च है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा बेस। और ये किस चीज का बेस है? तो देखिए, जो आजकल मार्केट में हम जाते हैं जब फ्रूट्स खरीदने, तो ये बास्केट आता है ना फ्रूट्स वाला। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपने घर के एक प्यारा सा नेम प्लेट, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ये है फल का जो डब्बा आता है ना मार्केट में, मंडी में जब हम जाते हैं तो इस तरह का पैक, इस तरह के डब्बे में पैक रहता है। तो मैं ये जो भैया फ्रूट्स बेचते हैं उन्हीं से लाई हूँ। इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है कभी ये दो ही पार्ट हो, मेरा तीन पार्ट हो, एक दो तीन, तो इससे मैं सोची थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, इसलिए मैं इस तरह का यूज कर रही हूं। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा बेस, और दूसरा चाहिए ये वॉल कुकी। वॉल कुकी आपको आराम से मिल जाएगा हार्डवेयर की दुकान पे, ये 20 से 25 रुपीज की दुकान है। और हमें चाहिए एक फेविकॉल। बहुत इजी है, आराम से घोल तैयार हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे जिससे कि ये ज्यादा पतला नहीं है। आपको जब जरूरत फील हो कि हाँ इसमें पानी अब डालना है, ये अच्छे से घुल नहीं रहा है, तो पानी आपके मिला देंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई गांठ नहीं हो, बिल्कुल जब हम बेसन का घोल बनाते हैं ना पकौड़े के लिए, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है इसे। अच्छा, ये जो हमारा बेस है, अगर ये थोड़ा भी खुरदुरा हो, रफ हो इसका सरफेस, तो हमें करना क्या है कि ये इस टाइप का जो स्क्रॉच ब्राइट आता है ना जिस बर्तन धोने का, बस इसको लेना है और इस पर हल्का हल्का ऐसे से आप करेंगे ना, तो जो भी इसका रफनेस है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। मैंने इसे पहले से कर रखा था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं बता देती हूँ। इसे ऐसे बस इस तरह से आप रगड़ेंगे ना, तो सारा जो भी इसका छोटा छोटा लकड़ी है या जो भी रफनेस है वो एकदम चिकना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पेस्ट को इस पूरे एरिया में अच्छे से फैला देना है। तो देखिए इस तरह से, तो
कोशिश करना है ना कि ये एक लेवल में हो और थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। इसे एक बराबर पेंट करने के लिए मैंने स्केल का यूज किया है। आप चाहिए तो पुराना कोई भी सनमाइका का टुकड़ा या पुराना एटीएम कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास स्केल अवेलेबल था इसलिए मैं स्केल यूज कर रही हूँ। इस तरह से इससे क्या है ना, फटाफट से हो जाएगा। तो देखिए मैंने ना इसे कवर कर दिया है पूरा वॉल पुट्टी से, देखिए इस तरीके से। अब हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 3 घंटे इसे सूखने के लिए। ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल सूख के तैयार है, अब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। देखिए अब मैं इस पे एक पेड़ ड्रॉ करूंगी, तो बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल की सहायता से धीरे धीरे एक पेड़ का तना बनाना है, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए इसको हम यहां तक लेके जाएंगे, फिर जस्ट हाँ इसके बगल से। आप चाहे तो इस पे अपना मन पसंद कुछ भी बना सकते हैं, पर मैंने इस पे पेड़ बनाने का सोचा है तो मैं इसे इस तरह से यहाँ पे बना रही हूँ। अब हमें कुछ टहनियां बनानी है। ये पूरी तरह आपके ऊपर है, आप इस पे क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप पर है। ये मैंने बहुत सारा इस पे ब्रांचेस बनाए हैं। अब ये तो इसका एक साइड का पोर्शन तैयार हो गया, ये देखिए। अब हम नाम लिखने के लिए ये जगह और ये जगह, यानी मिडिल वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है उसको यूज करेंगे। तो पहले हम ये पेड़ बना लिए, उसके बाद हम नाम लिखेंगे। अगर आपको स्केल की मदद चाहिए तो आप लीजिए, नहीं तो बिल्कुल आप हाथ से भी नाम लिख सकती हैं। हमारा बोर्ड अब तैयार हो चुका है। अब उस पर काम करने के लिए हमें बनाना होगा एक दो, जो कि हम पुट्टी से बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए वॉल पुट्टी और पानी चाहिए और फेविकॉल चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से होता क्या है ना, हाथ में ये कम चिपकता है और हमें डो बनाने में आसानी होती है। चलिए पहले अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे हाथों में, और हमें इस डो को तैयार करने के लिए पानी में फेविकॉल मिलाना है। थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें
लगभग एक स्पून फेविकॉल डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देना है। और इस डो को हमें ऐसे बनाना है जो जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, बस बिल्कुल वैसे ही इसे गूंथना है हमें। चलिए बनाते हैं इसका डो। तो देखिए दोस्तों, हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब हम काम शुरू करते हैं। उससे पहले ना हम हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे जो हम लोगों को हेल्प करेगा इसे अच्छे से। और थोड़ा सा तेल हाथ में लेके बस बिल्कुल ऐसे इस तरह से और ये पानी और फेविकॉल का घोल है जिसकी मदद से हम बोर्ड पे इसको चिपकाएंगे। पहले इतना सा हमें ले लेना है। और एक और बात, ये बहुत जल्दी सूखता है, बहुत जल्दी मतलब 2-3 घंटे ये डो रह सकता है। और इसे अच्छे से रखने के लिए ना हमें क्या करना है, एक कोई भी कॉटन कपड़ा को गीला करके और इसको इस तरह से ढक के रखेंगे। हमें इतना ही निकालना है जितना हमें जरूरत हो, तब तक से ऐसे ढक के साइड कर देते हैं। और इस तरह से हमें लोरियां बनानी है। हम फेविकॉल और पानी को बिल्कुल जो हमने लाइन बनाई थी इस तरह से लगाएंगे और डोरी को ऐसे इस पे स्टिक करना है। देखिए दोस्तों, हमने अपने पेड़ का तना बना लिया है और जो पहले हमने एक लाइन इधर बनाई थी, एक लाइन इधर बनाई थी डोरी से, और वैसे ही पतली पतली डोरियों से पूरे इस बीच के जगह को भर देना है। और जहां भी हमारा ज्वाइंट आता है, क्योंकि इतनी लंबी डोरी तो बेल नहीं पाएंगे, तो जहां भी ज्वाइंट आता है ना, तो हमें क्या करना है, इस पानी से ऐसे इस तरह से चिकना कर देना है, तो बिल्कुल भी ज्वाइंट पता नहीं चलेगा। और आपको जहां भी लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसे दिख रहा है ज्वाइंट, वहां बस पानी की मदद से चिकना कर देना है। तो देखिए, हम लोगों ने डोरियां बेल बेल के पेड़ बना लिया, टहनियां बना ली और हमने नाम लिख लिया है। अब हम बनाएंगे इस टहनियों पर लगाने के लिए पत्तियां। वो हमें कैसे बनाना है मैं अभी बताती हूँ आपको। फिर हमें पुट्टी डोरी लेना है और इतना सा इस तरह से इसका छोटा सा बॉल बनाते हुए और अपनी उंगलियों पे ऐसे रखेंगे और ये देखिए तैयार है पत्तियां। ऐसा ना हम बहुत सारा बनाएंगे और करीब इतना बनाना है कि ये सारी टहनी भर जाए। फ्रेंड्स, हमारी पेड़ की पत्तियां बनके तैयार है जो हम लोगों ने बनाया है पुट्टी डो से। करीब 25 से 30 पत्तियां मेरे ख्याल से बन चुकी हैं।
अब हम लोग पुट्टी डो से ही फ्लावर बनाएंगे। तो मेरे पास ये एक मोल्ड है जिसकी सहायता से मैं बनाऊंगी फूल। तो बस पुट्टी डो का ऐसे हम लोगों को एक जैसे रोटियां बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं ना पेड़ा, उससे बनाना है और इस पे इस तरह से इसको लगा देना है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो इन पत्तियों को ऐसे जोड़ जोड़ के आप फूल बना सकते हैं। बस कुछ नहीं है, देखिए कितना प्यारा फूल बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये बोर्ड बनाया था नेम प्लेट, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है सूख के, और इसे रेडी होने में 3 से 4 घंटा लग गया हमारा। और हमने जो ये पत्तियां बनाई थी और फूल, वो भी एकदम सूख के रेडी हो चुका है। देखिए अब हम इसे इन टहनियों पर चिपकाएंगे इन पत्तियों को, वो भी किस फेविकॉल और पानी के मदद से। बस ये बहुत इजी है, इसे हमें ऐसे चिपका देना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेम प्लेट बनके एकदम तैयार हो चुका है। बस इसके बॉर्डर पे ना मैं आपको बता रही हूँ कि ये पहले मैंने ब्लैक किया था, अब इसे एक एंटिक लुक हम कैसे देंगे। ये हमारा गोल्डन कलर है, बस इसे हम अपनी उंगलियों में इस तरह फिंगर टिप पे थोड़ा सा लेंगे और बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का रब करते जाना है, बिल्कुल जड़ा जड़ा सा। ये देखिए, ये ना बिल्कुल एंटिक लुक आ रहा है इसका, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा है, पर ये सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब बस मैं इसे थोड़ा सा कटिंग मिरर से और डेकोरेट करूंगी। अपने आर्ट का क्या है ना, आप उसे जितना डेकोरेट करिए फिर भी मन नहीं भरता है, तो मैं थोड़ा कट मिरर कहीं कहीं पे लगाऊंगी और इसे फुल्ली डेकोरेट करके आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेम प्लेट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब आप बनाएंगे ना तो देखिएगा, ये बहुत आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब आती है इसको हम हैंग कैसे करेंगे, अब हमें ये सोचना है। तो मैंने देखिए ये डोरियां लगाई है पीछे में, ये दो अभी ये गीला है पीछे से, इसलिए मैं पलट के नहीं दिखा रही हूँ। मैं अपने दूसरे आर्ट से आपको बताती हूँ कि इसे कैसे हमें लगाना है। तो ये देखिए, ये भी मेरा एक आर्ट है, ये देखिए, ये जो वॉल पुट्टी का डो हमने बनाया था ना, ये सारा कुछ पेड़ पत्ती या नाम लिखने के लिए, बस वही डो है ये। और ये एक रिबन है, आपको कुछ नहीं, रिबन को ऐसे एक दोनों कट को एक जगह मिला के और ऊपर से वॉल पुट्टी का डो से चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये नेम प्लेट और मेरे हैक्स, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी कि आप लोगों को ये सारा कुछ कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।